नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राज्य में 33 साल के लंबे समय के बाद A&M ट्रेनिंग के लिए 35 कॉलेजों को फिर से शुरू किया गया है। इनमें से अधिकांश ट्रेनिंग सेंटरों में पिछला बैच 1979 में चला था, लेकिन अब राज्य सरकार ने सभी सेंटरों को फिर से शुरू किया है। फिलहाल हर इमारत की मरम्मत की गई, नए कर्मचारियों को लाया गया, प्रवेश प्रक्रिया पूरी की और इस 10 अगस्त को 33 साल के बाद एक नया बैच शुरू किया जाएगा। मिशन 2024 के तहत विपक्षी एकजुटता के बहाने खुद की दावेदारी। विपक्षी दल के नेताओं का मन मिजाज जाने नीतीश दिल्ली जाएंगे। नीतीश 5 सितंबर को दिल्ली जाएंगे और सूत्रों की माने तो अगले 2 दिनों तक वह दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान नीतीश की मुलाकात विपक्षी दल के अन्य नेताओं से भी होगी। नीतीश 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता के अभियान पर कुछ करने वाले हैं। दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार की मुलाकात एक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी हो सकती है। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक शुक्रवार को सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर विधानसभा के सचिव के मेघजीत सिंह ने इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में विलय को स्वीकार किया है। बता दें कि जेडीयू के एस जयकिशन, एक सनाते मोहम्मद अच्छबुद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक AM खाउटे और थाकजाम अरुण कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय के दौरे पर हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता की चिंता नहीं है। बाढ़ से लोग बेहाल है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन चुके हैं यह मान लिया जाए, लेकिन उन्हें बिहार की जनता की चिंता भी होनी चाहिए। लोगों को आज हफ्ते भर से बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है और इसके बावजूद कोई सरकारी मदद उन तक नहीं पहुंची है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के 2023 के सत्र के लिए अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। अब अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी की जगह लेंगे। सनराइजर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर घोषणा की, महान क्रिकेट खिलाड़ी ब्रायन लारा आगामी IPL सत्र के लिए हमारे मुख्य कोच होंगे। बता दें कि मूडी का सनराइजर्स के साथ 2013 से 2019 तक सफल कार्यकाल रहा। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को न सिर्फ बीजेपी बल्कि PM नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि मणिपुर में विधायकों को तोड़ा गया, वहां धन बल का प्रयोग हुआ है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और सदाचार का परिभाषा बदल रहे हैं। धन बल का प्रयोग बीजेपी के लोग PM कर रहे हैं तो वह सदाचार है। विपक्षी पार्टी अगर एक मंच पर आ रही है तो भ्रष्टाचार है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 35 से 40% पूरा हो चुका है। वहीं अगले साल दिसंबर 2023 तक राम मंदिर का गर्भगृह भगवान के भक्तों के लिए खोलने की तैयारी है। बता दें कि अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 के मुताबिक लगभग 2000 बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें सबसे पहले अयोध्या की 3 प्रमुख सड़कों को अगले 1 साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। मणिपुर में जेडीयू के कुल 6 विधायकों में से 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से गदगद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर जवाबी हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश के सहयोगी लालू यादव ही बिहार को जदयू मुक्त कर देंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर जवाबी हमला बोलते हुए ट्वीट कर कहा, अरुणाचल के बाद मणिपुर भी जदयू मुक्त, बहुत जल्द लालू जी बिहार को भी जदयू मुक्त कर देंगे। सोने की चेन गुम होने के मामले में एयरलाइंस को चेन की कीमत के 2.50 लाख रुपए पीड़ित को देने होंगे। साथ ही परिवहन खर्च के तौर पर 10,000, मानसिक क्षति के तौर पर 20,000 और वाद व्यय के रूप में 5,000 भी पीड़ित को दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश निवासी सत्येंद्र कुमार राय एक एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट से कोलकाता से देहरादून आए थे। आरोप था कि एयरलाइंस की लापरवाही के कारण सत्येंद्र का सामान गुम हो गया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। भारत में जल्द आ जाएगी कोरोना की नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन। COVID-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के चेयरपर्सन डॉक्टर NK अरोड़ा के अनुसार अगली पीढ़ी के टीके की पूरी अवधारणा यह है कि हमें बार बार वैक्सीन की खुराक नहीं लेनी होगी। दूसरा यह है कि अगर हम नेक्स्ट जनरेशन की वैक्सीन लेते हैं तो यह फिलहाल के वायरस स्ट्रेन से तो बचाएगा ही, साथ ही भविष्य के वायरस के नए स्ट्रेन से भी बचाव करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नीरज के जैवलिन को 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मृति चिन्हों के संग्रह को ई नीलामी में BCCI ने ओलंपिक चैंपियन नीरज का ये भाला खरीदा। BCCI ने इसके अलावा भारतीय पैरालंपिक दल के हस्ताक्षर वाला अंग वस्त्र भी 1 करोड़ रुपए में खरीदा था।
भारत की नौसेना के पास INS विक्रांत आ गया है, जिसके बाद पाकिस्तान भी चीन से युद्ध पोत खरीद रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से टाइट 054 फ्रिगेट लेकर अपनी नौसेना में शामिल किया है। इसका नाम PNS तैमूर दिया गया है। इससे पहले साल 2021 में भी पाकिस्तान ने चीन से एक युद्ध पोत खरीदा था, जिसका नाम PNS तुर्गल दिया गया था। बता दें कि पाकिस्तान के पास कुल 104 युद्ध पोत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार के मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत सिर्फ यूपी में और 50,000 शिक्षकों की कुल ₹750 करोड़ तनख्वाह बकाया है। संसद भवन में मैंने ही सवाल उठाया था और पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने इस सवाल पर मुझे आश्वासन दिया था कि फंड जल्द तकसीम कर दिए जाएंगे। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का US ओपन के तीसरे दौरे में हार के साथ पेशेवर करियर समाप्त हो गया है। दिग्गज खिलाड़ी शुक्रवार की रात को 3 घंटे से भी अधिक समय तक चले मैच में अजला टोमलजानोविच से हार गई। सेरेना ने 5 मैच पॉइंट बचाए, लेकिन आखिर में जब उनका शॉट नेट पर लगा तो उनकी आंखें भी छलक उठी। उन्होंने मैच के बाद कहा, यह मेरे लिए अब तक का सबसे अविश्वसनीय सफल रहा है। मैं उस हर व्यक्ति की आभारी हूँ जिसने सेरेना आगे बढ़ो कहा और मेरे हौसले बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BN श्रीकृष्णा ने की, देश में अभिव्यक्ति की आजादी की कमी है, ये बहुत खराब है। इस पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। किरण रिजिजू ने कहा है कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी की कमी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वालों को लेकर आप क्या कहेंगे। वे कांग्रेस पार्टी के लगाए गए आपातकाल के बारे में कभी बात नहीं करेंगे और न ही कुछ क्षेत्रीय पार्टी की मुख्यमंत्रियों की आलोचना करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। नागालैंड के मंत्री तेमजिम इमना अलोंग की राजधानी एक्सप्रेस में बेहतरीन भोजन सर्वे किया गया। मंत्री ने भोजन की तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी तारीफ की थी। उनकी ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। उन्होंने पोस्ट में खाने की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, गुवाहाटी से दीमापुर जाते समय राजधानी एक्सप्रेस में शानदार डिनर के लिए आभारी हूँ। गूगल पे यूजर्स सावधान हो जाए। गूगल और फोन पे चलाने वाले यूजर्स UPI एप्लीकेशन को हमेशा लॉक करके रखें। फिंगरप्रिंट या फिर एक स्ट्रॉन्ग पिन का अपना पासवर्ड बनाएं। पैसे भेजने से पहले UPI ID को वेरीफाई करना ना भूलें। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को आप अपना फोन पे गूगल पे का पिन शेयर ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कई बार फ्रॉड के शिकार होने से बच सकते हैं। टाटा ग्रुप ने जब से एयर इंडिया को टेक ओवर किया है तब से एयरलाइंस में काफी बदलाव देखा जा रहा है। अब से एयर इंडिया उड़ान समय सारणी में बदलाव या देरी के बारे में यात्रियों को पहले से जानकारी उपलब्ध करने के लिए नई व्यवस्था स्थापित करेगी। साथ ही कंपनी हवाई अड्डे से संबंधित मुद्दों के समाधान को समन्वय टीम भी स्थापित करेगी। सोनाली फोगाट हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गोवा पुलिस के सूत्रों ने खुलासा किया है कि आरोपी सुधीर सागवान ने सोनाली फोगाट मौत में साजिश की बात को कबूल किया है। गोवा पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश बहुत पहले रची गई थी। वहीं इस बीच CM प्रमोद सावंत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। RBI ने पिछले महीने वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के बाद डिजिटल लोन का लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइंस के मुताबिक सभी लोन का वितरण और पुनर्भुगतान के बैंक और उधारकर्ता के बीच ही किया जाएगा। इसमें किसी भी तीसरी पार्टी जैसे RI और LPS की कोई भी भूमिका नहीं होगी। इसके साथ ग्राहकों की सहमति के बिना क्रेडिट लिमिट को ऑटोमेटिक बढ़ाने पर भी रोक लगा दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार पर विचार कर रही है। इसके जरिए हम उन सभी लोगों को लाभ पहुंचाने में सक्षम होंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसे मामूली प्रीमियम पर लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा, देश के मध्यम आय वाले वर्ग जो कि न तो अमीर है और न ही गरीब है पर ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर करने पर विचार किया जा रहा है। किशोर कुमार के मुंबई स्थित बंगले गौरीकुंज को क्रिकेटर विराट कोहली द्वारा किराए पर लिया गया है। विराट कोहली यहां पर एक रेस्टोरेंट डालना चाहते हैं, जिसके बाद किशोर कुमार को चाहने वाले का विराट कोहली से कहना है कि विराट कोहली वहां पर रेस्टोरेंट की जगह कोई संगीत विद्यालय या गीत संगीत से जुड़ी कोई चीजें खोले ताकि किशोरदा की यादें सजाई जा सके। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। देश के लोगों में इस बात को लेकर खासा उत्साह है। इस उपलब्धि पर देश के प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर चरण सिंह ने कहा है कि जहां पूरी दुनिया पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है, भारत 7% की दर से वृद्धि कर रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में महंगाई दर 10% है, अमेरिका में यह 9% है, भारत में महंगाई दर महज 6-7% है जो कि सामान्य है।
दो दिवसीय गुजरात दौरे के अंतिम दिन केजरीवाल ने कहा, हमें भाजपा के बड़े बड़े नेता नहीं चाहिए, हमें उनके पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता चाहिए। उन्होंने कहा, आप सभी लोग भाजपा में ही रहें, भाजपा पेमेंट करती है, पेमेंट उनसे लो, लेकिन काम हमारे लिए करो। उन्होंने दावा किया है कि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुडबाय काफी चर्चा में है। अब गुडबाय का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आ गया है। अमिताभ बच्चन ने फिल्म के इस पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं और रश्मिका मंदाना चरखी पकड़े उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। इस पोस्टर को शेयर करने के साथ बिग बी ने कैप्शन में लिखा है, परिवार का साथ है सबसे खास, जब कोई नहीं होता पास तब भी रहता है इनका एहसास। रिकॉर्ड मानसून बारिश ने पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से को जलमग्न कर दिया है। जून के बाद से 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई है, फसलें बर्बाद हो गई और 11 लाख से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बता दें कि 470,000 से अधिक लोग शिविरों में रह रहे हैं, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की टीम ने मानवीय सहयोगियों के साथ 300,000 लोगों को भोजन सहायता और 55,000 लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया है। नोएडा फतेही से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। बता दें कि हाल ही में जैकलिन फर्नांडिस ने पीएमएल के अपीलिंग अथॉरिटी के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि आश्चर्य की बात है कि नोएडा फतेही जैसी अन्य हस्तियां, जिन्हें भी मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने धोखा दिया था, को मामले में गवाह बनाया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोविशील्ड वैक्सीन से कथित तौर पर एक महिला डॉक्टर की मौत के मामले में भारत सरकार समेत अन्य लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता दिलीप लुनावत ने दावा किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद उसकी बेटी डॉक्टर स्नेहल लुनावत की मौत हो गई। याचिकाकर्ता ने 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। CBSE ने हाल ही में एक नोटिस जारी करके सभी यूनिवर्सिटी से कहा है कि वे डिजी लॉकर की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को एडमिशन के समय मान्यता दे। बोर्ड का कहना है कि सभी यूनिवर्सिटीज मार्कशीट और सर्टिफिकेट की प्रिंटेड कॉपी को डिमांड को बाद में पूरा कर सकती है और छात्रों से बाद में उन्हें जमा करने के लिए कह सकती है, लेकिन इस आधार पर उन्हें एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता और डिजी लॉकर पर उपलब्ध मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पर कैंडिडेट को एडमिशन लेने की छूट दी जाए। वनडे क्रिकेट का शायद यह सबसे बड़ा उलटफेर है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराकर इतिहास रच दिया है। हालांकि सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन तीसरी बार आखिरी वनडे मैच में 13वें नंबर की टीम और इंजरी से जूझती टीम जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को 3 विकेट से हरा दिया। लेग स्पिनर रियान बर्ल को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के बाद जिम्बाब्वे का मनोबल जरूर बढ़ा होगा। इससे पहले उन्होंने भारत को भी सीरीज के आखिरी वनडे मैच में कड़ी टक्कर दी थी और उससे पहले उन्होंने बांग्लादेश को 2-1 से हराया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, नन्नू कुमार, सोनू पाल, राजकुमार कुशवाहा, शुभम सिंह राजपूत। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, INS विक्रांत के आने से भारतीय सैन्य बल को कितना फायदा होगा? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।